हमारे साथ जिग्नेश मेवानी है यहाँ पे। आज मोदी सरकार के 4 साल जिस तरह से पूरे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अमित शाह ने कि कितने रोज़गार दिए हैं, कितने ज़्यादा लोग खुश हैं, सकारात्मक दृष्टि बढ़ी है राजनीति की दिशा में, लेकिन जो असल में स्थिति है वो थोड़ी अलग दिखती है। खास करके अगर हम 2-3 दिन पहले की घटना की बात करें, कुछ ज़्यादा ही अलग, हाँ, गुजरात की राजकोट की बात करें तो फिर से एक दलित एट्रोसिटी का मामला आया। जिस तरह से उस युवक की पीट पीट कर हत्या की गई, आपका बयान भी था कि सरकार ने कुछ अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखा है, आपको क्या लगता है कि इस पूरी 4 साल में सरकार कौन सी गलतियां हैं वो करती जा रही है और समाज में जो एक डिवाइड करने की बात है संप्रदाय और बहुसंख्यकवाद और जाति के नाम पर, वो किस तरह से रिपीट करती जा रही है? देखिए, मैं भी पब्लिक लाइफ में हूँ, एक विधायक हूँ, तो जो लोग प्रैक्टिस में हैं वो गलतियाँ तो करेंगे और गलतियाँ हम सुधार भी सकते हैं, उसमें से सीख भी सकते हैं। संघ परिवार की विचारधारा से लेस बीजेपी गलतियाँ नहीं कर रही, हीनस क्राइम्स कर रही है। उनका इंटेंशन है कि इस देश को हिंदू और मुसलमान में विभाजित किया जाए। ऑलरेडी हिंदू और मुसलमान के बीच में जो डिवाइड है, जो खाई है, उसको और भी गहरी की जाए, नफरत और हिंसा के बेस पर ही राजनीति हो। कर्नाटका की कुछ चुनाव में जाकर कहना था ना कि इतने रोजगार हमने दिए इसलिए हमको वोट दो, वहां पर तो भाजपा का कैंपेन इस बात से शुरू हुआ कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच है, ये राम के बनाम अल्लाह की लड़ाई है, ये क्या नॉनसेंस है। 4 साल में 2 करोड़ युवा को रोजगार देने का जो प्रॉमिस दिया था, आज 4.5-16 हुए, तो 9 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए था, उसका 1% 9 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। नए रोजगार खड़े करने की बात तो छोड़ो, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के स्कूल्स में 15 लाख वैकेंसीज खाली है, उसमें भर्ती कीजिए ना। 5 लाख इस देश के सब सेंटर PSC CSC और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 5 लाख डॉक्टर्स की भर्ती हो सकती है, कीजिए ना वो अपॉइंटमेंट्स। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की अपॉइंटमेंट्स हो सकती है रेलवे में, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। कह दीजिए ना कि गाँव में बसने वाले इस मुल्क के 70% से ज़्यादा लोग रोज का 20 से कम रुपये खर्च कर पा रहे हैं, उनका कोई परचेसिंग पावर नहीं है, ज़्यादातर दिन उनके बेरोजगारी में जाते हैं, तो 100 दिन के बजाय हम 300 दिन नरेगा देंगे, कहिए ना। कोई इंटेंशन नहीं इस देश की सरकार का रोज़गार देने का। रोज़गार के नाम पे इस देश के हजारों लाखों करोड़ों युवा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठेंगा दिखाया, और इसीलिए कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी इज़ द फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी। इतना इस देश की 125 करोड़ जनता को किसी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया। सचमुच इस देश की गरीब जनता को ये था कि यार हमारे बैंक के अकाउंट में 15 लाख आएगा ही आएगा, जो सीना फुला फुला कर जो मोदी जी कह रहे थे, सचमुच ऐसा लग रहा था हमारे गांव में बसने वाली बहनों को, गरीब जनता को। इस आवाम के साथ इतना छलावा किसी ने नहीं किया। इस देश की सारी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज ने इस देश की गरीब जनता को छलाई है, लेकिन मोदी जी का छलावा वो कोई अलग सीमा पर है। और आज मैं सुबह ही यहाँ दिल्ली आने से पहले एयरपोर्ट पे देख रहा था, तो जो प्रोमिसज उन्होंने जो क्लेम्स किए, मैं देख रहा था कि दलित इश्यू पे कह रहे हैं कि हमने एट्रोसिटी के कानून को दुरुस्त किया। अरे शर्मा नहीं चाहिए? तुम्हारे होठों पर अंबेडकर दिल के अंदर मनु बैठा है, तुम एट्रोसिटी के कानून को दुरुस्त और मजबूत करोगे? पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने जो डाइल्यूट किया, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को डाइल्यूट कर पाई, उसमें आपका योगदान है। उना के वक्त मोदी जी का कहना कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाई को मत मारो, अभी राजकोट में दूसरे दलित भाई को मार डाला, तो क्यों खामोश है? भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसी कौन सी गलती की कि उसको पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर जेल में डाल के रखा है 1 साल से? सहारनपुर में घर जलाएगी, उसके मामले में क्या कहना है? 9 लोग दलित समाज के थे जो 11 लोग मर गए 2 अप्रैल के बंद कोर के दौरान, उसमें से 9 लोग दलित समाज थे, उनके बारे में उनका क्या कहना है? ये जो पूरी घटनाएं हुई हैं सहारनपुर, शब्बीरपुर या फिर भारत बंद, ये सारी घटनाएं तो हैं, लेकिन एक जो हम ट्रेंड देखते हैं कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसमें जितने एक पर्टिकुलर कास्ट का लोग ही उसमें जाता है और जहरीली गैस से मोदी जी तो मशीनीकरण की जो बात कर रहे हैं, मोदी जी तो कर्मयोगी नाम की किताब में वर्ष 2009 में ये लिख चुके हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। तब माननीय प्रधानमंत्री जब ये मानते ही है तो वो स्वाभाविक रूप से यही मानेंगे कि दलितों को, सफाई कर्मियों को वही करना चाहिए, यानी कि मैला ही उठाना चाहिए, यानी कि झाड़ू ही लगाना चाहिए, यानी कि मृत पशु के निकल का काम ही करना चाहिए, यानी कि गटर में उतर कर ही मरना चाहिए। इनसे क्या उम्मीद है? दलितों को, इस देश के दलितों को और जो सेंसिबल युवा, उनका मोदी जी से कोई अपेक्षा नहीं है। मोदी टाइम इज ओवर।
हमारे साथ रिचा हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट लीडर। रिचा, ये जिस तरह से मोदी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, बहुत सारी बातें हुई रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, सांप्रदायिकता को लेके, कास्ट को लेके, बहुत तरह से समाज को विभाजित करने की कोशिश की गई, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा, रोज़गार का, स्वास्थ्य का, उसमें जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम भी देखते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया भी अगर कवर करता है बेसिक इश्यूज़ को, तो वो भी हम दिल्ली में बैठे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देख लेते हैं, JNU, DU, इन सब के बारे में देख लेते हैं। लेकिन राज्यों में क्या हाल है उन विश्वविद्यालयों का, हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का, ख़ास करके इन 4 सालों में पॉलिसीज़ के तहत उनको कैसे तोड़ा गया है, उसकी जो रीढ़ है हायर एजुकेशन की, और साथ ही में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं वो किस तरह से डिवाइड हुए हैं इन 4 सालों में, क्योंकि जो सोच है युवाओं की वो किस तरह से बदली है, धर्म को लेके, जाति को लेके, बहुसंख्यकवाद को लेके, तो उस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये हमारे देश की समय विडंबना है कि 2020 में हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे युवा देश होना जा रहा है, और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर कहीं युवाओं की संख्या होगी तो वो हिंदुस्तान में होगी। तो जाहिर है कि हमारी सियासत भी युवा होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ सालों से किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमला पहली बार है, हमेशा से स्टूडेंट मूवमेंट को क्रश डाउन करने की सरकारों ने कोशिश की है, क्योंकि सरकारों को चैलेंज अगर कोई करता है और उनके लिए सड़क पर निकल कर कोई लड़ाई लड़ता है तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए लोग ही हैं। और चाहे आप आज़ादी की लड़ाई में देख लीजिए किस तरीके से स्टूडेंट्स ने निकलकर जो है गांधी के साथ तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, भगत सिंह खुद अपने छात्र जीवन को छोड़कर निकले थे। उसके बाद हमने 70 के दशक में भी अगर हम देखें तो जब इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी से भी लड़ने वालों की जो अगर आप संख्या देखेंगे तो स्टूडेंट्स ने या छात्र और नौजवानों ने ही सड़क पर निकलकर लोहा लिया। फिर हम 90 में देखते हैं कि मंडल कमंडल की लड़ाई होती है रिजर्वेशन को लेकर, जो पूरा आंदोलन चलता है उसमें भी यूथ ही निकलकर, चाहे रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा ये एक बात का मसला है, लेकिन मंडल कमंडल की लड़ाई में को भी यूथ ने ही लड़ा। फिर अगर हम थोड़ा ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएंगे तो प्रफुल्ल कुमार महंता किस तरीके से एक बड़ा मूवमेंट चला के पूरी सरकार को ही पलट दिया और उसके बाद वहाँ के वो मुख्यमंत्री बने। देखिए, सरकार को भी अच्छी तरीके से मालूम है कि उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज युवा है, और ये विडंबना है कि आज देश में नौजवान के रोज़गार की बात नहीं हो रही है। क्या शिक्षा नीति होगी, हम किस तरीके से हमारे शिक्षा का स्तर नीचे जाता जा रहा है इस पर बात नहीं हो रही है, किसानों के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, महिलाओं के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, पूरी राजनीति और पूरी मुद्दा धर्म को और जाति को बना दिया गया है। और बीजेपी का शायद पॉलिटिक्स ही यही है, क्योंकि धर्म के नाम पे देश को बांटना, उसको पोलराइज करना बहुत आसान है। मैं आपको बताऊं कि आज 4 साल हो रहा है मोदी गवर्नमेंट को, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या फ़र्क आया विश्वविद्यालय में, तो अगर मैं 2 लाइन में कहूँ, जो विश्वविद्यालय जहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे सुनाई पड़ते थे, जहाँ पे हल्ला बोल किसी भी चाहे वो जाति की असमानता हो, धर्म की हो, लिंग की असमानता हो, या किस तरीके से प्राइवेटाइज करने की, या जब फीस बढ़ती है हॉस्टल के लिए, तो हल्ला बोल का नारा सुनाई पड़ता था, आज आप विश्वविद्यालयों के अंदर धार्मिक नारे लगाए जाने लगे हैं। हमारे साथ पूजा हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट लीडर हैं। पूजा, पिछले 4 साल मोदी सरकार के, अभी हमने रिचा से भी बात की कि किस तरह से विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा को तो तोड़ा ही गया है, उसकी रीढ़ को तोड़ा ही गया है, लेकिन साथ में जिस तरह की पॉलिसीज़ आ रही हैं वो किस तरह से स्टूडेंट विरोधी हैं, लेकिन जो युवाओं का एक बड़ा तबका है वो विश्वविद्यालयों से बाहर भी है, जो रोज़गार की मांग कर रहा है, आपको क्या लगता है मोदी सरकार के 4 साल और ये जो रोज़गार का मुद्दा रहा है उस पर कितना प्रोवाइड करा पाई है सरकार, उन युवाओं को कितना खुश कर पाई है? देखिए, मोदी सरकार जब जो वादा करके आई थी, मतलब जहाँ तक मुझे याद है 2014 में 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा करके आई थी, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने का वादा करके आई थी, विकास की बात करके आई थी, विकास के रास्ते पर आई थी, लेकिन आते ही जब 2014 में जिन युवाओं ने उनको पूरी उम्मीद के साथ वोट दिया था कि शायद इन 60 सालों में जो नहीं हुआ, जो मोदी साहब बोल रहे हैं, हो सकता है इस 4 या 5 साल के कार्यकाल में वो कर दें, तो जब हम लोग देख रहे थे कि लोगों में एक भरोसा है, एक विश्वास है, एक उम्मीद है, उसी के ठीक बात हम देखते हैं कि जैसे ही मोदी सरकार बनती है, पहला जो सबसे बड़ा हमला होता है वो होता है फेलोशिप्स पर,
कि फेलोशिप ख़त्म करके कैसे स्टूडेंट्स को रोका जाए। स्टूडेंट्स को रोकने का सवाल होता है, स्टूडेंट लड़ते हैं, सड़कों पर आंदोलन होते हैं, उसके बाद इनका फंड कट होता है, फंड कट के बाद सीट कट करते हैं, रोस्टर सिस्टम लाते हैं, और कुल मिलाकर के शिक्षा को इतना संकीर्ण कर देना चाहते हैं कि आज लोगों की संख्या कम हो जाए और सरकार की जवाबदेही कम हो जाए। आप रोज़गार की बात कर रही हैं, चुनाव से पहले 2 करोड़ रोज़गार, चुनाव होने के बाद पकौड़ा बना लीजिए। पकौड़ा बनाने की रेसिपी जी न्यूज़ पे बैठ के प्रधानमंत्री साहब समझाते हैं और उसको डिफेंड करने के लिए अमित शाह सदन में जाकर के पकौड़े वाले को जोड़ देते हैं उसे। हम एक सीधा सा सवाल करते हैं कि जब पकौड़े बनाने वाला व्यक्ति जो सड़क पर पकौड़े बनाता है, वो अपने बच्चे को किसी तरह से पढ़ने भेजता है, वो कभी नहीं चाहता कि पकौड़े बनाने वाले का बेटा पकौड़ा बनाए। गुजरात मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की जो बात हुई है अंतिम 4 सालों में, उसमें जो डेवलपमेंट का मॉडल दिखाई देता है, वो मॉडल तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के विकास का है, मल्टीनेशनल कंपनियों के विकास का है, और जो धनी लोग हैं इस देश में उनके विकास का मॉडल लगता है। कहा तो जाता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसमें गरीबों का साथ नहीं दिखाई देता। गुजरात में आज भी करीब 63% लोग गरीब हैं, 47% जो चिल्ड्रन हैं अंडर 5 वो अंडर नरिश्ड हैं, 28% मेल पर्संस हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, 63% वीमेन हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, और जो गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं जिनको 2 रुपये किलो गेहूं देना है, वो गुजरात सरकार का आंकड़ा खुद कहता है कि 3,82,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको वो इस तरीके से सस्ता अनाज देना चाहती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि करीब 63% पॉपुलेशन गुजरात की ऐसी है कि जो गरीब है। तो जैसा कि मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, कार्यकाल 4 साल का पूरा हुआ है, उसमें अगर हम देखें, हाल ही में खबर आई थी कि गुजरात में पानी की जो स्थिति इतनी ख़राब है, सूखे पड़ रहे हैं जल संसाधन, उनकी पूर्ति कराने के लिए 41 यज्ञ कराने की बात की गई और ये फैसला गुजरात की कैबिनेट में लिया गया। तो बेसिकली इन 4 सालों में सर हम देख रहे हैं जिस तरह से साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात हो रही है, रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी की जो बात हो रही है, किस तरह से ये सरकार जो अपने उनको सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए उसकी जगह पे इरैशनैलिटी को बढ़ावा दे रही है, और इस 4 साल में जो बुनियादी मुद्दे हैं वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं इसके कारण। देखिए, अगर हम पीछे पलट के देखें तो 4 सालों में साइंटिफिक टेंपर के ऊपर, साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर, साइंटिफिक मेथड के ऊपर और साइंस के ऊपर बड़ा हमला हुआ है, और ये बड़ा हमला जो हुआ है वो सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि किसी आम आदमी ने, सड़क चलते लोगों ने कर दिया हो, या जो शाखा में पले हुए 4-6 लोग थे उन्होंने कर दिया हो। ये इसकी कमान संभाली थी खुद प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर बनते ही शुरुआत में एक बड़ा हमला किया था साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर, कि साइंस कांग्रेस में, इंडियन साइंस कांग्रेस में उन्होंने कहा कि गणेश प्रमाण है प्लास्टिक सर्जरी का, और करण प्रमाण है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का। ये शुरुआत थी नई सरकार की, लेकिन इसकी जड़ें पुरानी हैं। यही प्राइम मिनिस्टर, उनके साथी, उनके सीनियर्स बाबाओं के जाकर के पैर छूते रहे लगातार, वही समझ पहुंच जाती है सरकार तक। और अगर सरकार तक ये समझ पहुंचती है तो कोई भी सवाल कर सकता है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी ने ये बात कह दी। मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्नल था अपने सारे आसपास के लोगों का, अपने मिनिस्टर्स का, अपने एमपीस को दिया उन्होंने ये सिग्नल, उन्होंने ये ब्यूरोक्रेसी को सिग्नल दिया, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये सिग्नल दिया कि आगे आने वाले वक्तों में साइंटिफिक टेंपर नहीं होगा इस मुल्क के अंदर, हम इरैशनैलिटी की बेसिस के ऊपर अब समाज को की गणना करेंगे अगले 4 साल, और यही उन्होंने किया। अगर हम देखें तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मिनिस्टर्स ने, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने, किस तरह से इवन जुडिशियरी तक ये वायरस पहुंच गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है
जैसे संविधान के ऊपर शपथ खा के कुर्सी पे बैठते ही संविधान को अपने जूतों तले रौंदना शुरू कर देना, और ये लगातार होता रहा। इस बीच में पर ये कोई सवाल कर सकता है कि ठीक है, साइंटिफिक टेंपर की बहुत बात पहले होती रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अगर कुछ इरेशनल लोग बैठ गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है। डेवलपमेंट की तो बात लगातार कर रहे हैं हम, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आप क्यों परेशान है, कहने दीजिए। ऐसा हुआ नहीं। हमें आज ये मालूम है कि पिछले 4 साल का अगर डेटा हम उठा करके देखें तो किस तरह से साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर पैसा कम किया गया, किस तरह से साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो साइंटिस्ट थे उनको रिप्लेस नहीं किया गया है और लगातार जगह खाली होती गई है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स लगातार इन 4 सालों में बंद हुए हैं जो साइंस के थे। देखिए, सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि इस मौजूदा सरकार की नीतियाँ ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा आरएसएस की शाखाओं में बनती हैं, और आज जो आपने एक पॉलिसी लेवल का सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं आपको बताऊं, आप जानते होंगे कि अभी मौजूदा सरकार में मनुवादी शक्तियां बैठी हुई हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस पे इसलिए हमला कर रही हैं क्योंकि जब एक दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जाके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेगा और जब वो डिसेंट करने की पोजिशन में आएगा, अपने एक क्रिटिकल माइंड को डेवलप करेगा, तो वो सबसे पहला सवाल उन्हीं लोगों से पूछेगा जिन्होंने उनको हज़ारों हज़ारों साल से एजुकेशन को दूर रखा। आप सोचिए ना, कितना ऑर्गेनाइज वे में एक एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है।